अगर आत्मा होती, कि खुदा के कृष्णों में अगर आत्मा होती तो ख्वाबों में भी आपसे मुलाकात नहीं होती। ये दिल तो बर्बाद की वजह है। ये दिल ना होता तो कोई बात नहीं, ये दिल ना होता तो कोई बात नहीं। इस समारोह के मेहमान, खास मेहमान नरेश विश्वविद्यालय, नरेश संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्रेयांक रेड्डी जी, और खास बात ये रही कि डॉक्टर श्रेयांक रेड्डी जी और मैं एक रेस्ट हाउस में साथ साथ रहते थे। बगल में हमारा एक दूसरे का जो पक्ष था, बगल में हम रहते थे, लेकिन क्या मतलब ऐसी बात रही कि हमारी मुलाकात नहीं कभी आपस में। मेरे को ये पता था कि डॉक्टर श्रेयांक रेड्डी जी यहाँ रहते हैं, थोड़ा सा को भी मेरे बारे में मालूम था, लेकिन जो शेड्यूल था डॉक्टर साहब का अपने कार्य में मसरूफियत में जाना होता था, वो मेरा उस वक्त आना होता था। और सहयोग से दूसरी बार यहाँ मुलाकात हो रही है, पहली बार शिक्षण संस्थान के अंदर भी मुलाकात हो रही है। और जो ये कार्यक्रम है वो शायद कि जो मैं लगभग 20 वर्ष से पत्रकारिता क्षेत्र में हूँ, और जहाँ तक भी हमारा जमा होता था भारतवर्ष के जिसमें होने में जाते थे, तो लोग सबसे पहले इस बात करते थे कि हरियाणा को बोलते हैं कलाओं का देश है, कलाओं का प्रदेश है, कलाएं बोलते हैं आपके, बताओ कि उस कलाओं के बारे में। तो वो चीजें हमारे लोग चुनती थी, ये बात ठीक है कलाओं का प्रदेश है, लेकिन जो कलाएं हैं, चाहे वो सभ्यता की दृष्टि से कलाएं थी, चाहे वो कलाओं जो कवि हैं, कला क्षेत्र के अंदर बहुत सारे कवि हुए हैं, जो कवि हैं समय के साथ साथ उम्र होने के नाते या जैसे जैसे में बीतता गया सभ्यता की दृष्टि से हम पीछे होते गए, जो यहाँ सांस्कृतिक धरोहर थी वो भी कमजोर पड़ती गई, और जो कलाकार थे जो कवि थे वो भी थोड़ा कम होते गए। तो उस बीच हमारे विभाग में चुनते हुए गुरु जी हैं, मौजूद हैं, सुभाष शास्त्री जी मौजूद हैं, टेक चंद जी हैं, कुछ साथी हैं। तो हमारे इस बात की चर्चा हुई कि केवल कलाओं का राजा कहने से बात नहीं होती, कलाएं होनी चाहिए। तो हमने जो ये विचार था, एक वर्ष पहले का विचार था, उसको स्थितियां ऐसी चलती रही, इसके ऊपर काम नहीं हो पाया, दोबारा इसके ऊपर बातचीत हुई। तो उन कलाओं को विकसित करने के लिए जो कवि हैं उनको फिर से जीवंत करने के लिए, जो सभ्यता लुप्त होती जा रही है उसको जीवंत करने के लिए, और हम हरियाणा प्रदेश के किसी हिस्से में जाएं, वहाँ जब हमारे पूछा जाए कि कलाओं का प्रदेश रहना कुछ बताइए, हम कुछ बता पाए, उस मिशन को लेकर आज एक बड़ी सफलता महसूस कर रहे हैं कि पहला आयोजन है कक्षा भी, इस कला मंच का एक पहला आयोजन है, और जिस प्रकार आप राज्य के जिलों से ही नहीं बल्कि दिल्ली से भी आए हैं, आप सभी का यहाँ तहे दिल से अभिनंदन है। और आगे से जब भी आपका काम हुआ और आपस में ऐसा मिलना हुआ, आप ये ना कहना कि कला मंच ने हमारे को बुलाया है, हम इनके भागी हैं, आज से हम एक कुंडली के सदस्य हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। अब तो हम ये कहेंगे कि एक कुंडली में इकट्ठे हुए हैं, और एक कुंडली में इकट्ठा होने का जो असर जहाँ जिस तत्व हमें मिलेगा उस क्षण के भागी होंगे। तो ये जो खास होता है जो कलाएं जिंदा करने का एक कार्यक्रम आया है, और मैं ये खास बात कहना चाहूंगा कि जो खुदरन कवि हैं, खुदरन का भाव यहाँ समझते हो ज्यादा विवाह लोग बैठे कि नवोदित लिखा है वैसे कि जो नए कवि हैं, जो वो तो जो खुदरन कवि हैं, जो जिनका अपना रंग है, उन कला उन कलाओं को उन कवि को विकसित करने के लिए मंच बनाया गया। और मैं पिछले जब से ही कार्यक्रम स्वास्थ्य सारे लोग जैसे मैं मौजूद हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि जिस मकसद को लेकर ये मंच का गठन किया गया था, जिस प्रकार खुदरन कवि आप माना चाहते थे, वो खुदरन से खुदरन कवि यहाँ मौजूद हैं, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और उम्मीद है कि ये हमारा साथ और ये विश्वास हमेशा बना रहेगा। और आज ही शुरुआत हो थरकमांडवा से हुई है, ये पहल आगे से आगे बढ़ती जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें आपका यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करते हुए, इस्तकबाल करते हुए,
अपने वाणी को ध्यान देते हैं। धन्यवाद। जय जय भारत।